أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم। वो माएँ जो हमेशा अपने बच्चों को इनके वालिद से मुतालिक मनफी बातें बताती हैं, मसलन आपके बाबा हमें वक्त नहीं देते, या बच्चों के सामने लड़ना कि तुमने हमारे लिए किया ही क्या है, या फिर घरेलू मसाइल बच्चों के सामने डिस्कस करती हैं, वो बच्चों को नफ्सियाती तौर पर तबाह कर देती हैं। बच्चे किसी चीज़ की फरमाइश करें तो दो रवैये सामने आते हैं, या तो हर सूरत इनकी फरमाइश पूरी करना या सख्ती से रद्द करना। होना ये चाहिए कि बच्चों को कभी मोहब्बत और तरीके से बताया जाए कि वो चीज़ लेकर देने की इस्तेआत नहीं रखते, अगर मुमकिन हुआ तो बाकी ढेरों चीज़ों की तरह ये भी दिला देंगे। बच्चों के साथ ससुराल वालों के जुल्म सुतम की कहानियाँ बना के पेश करना, और अक्सर औकात अपने बच्चों को ये बताना कि दादी दादा या ताया चाचा फूफो मुझ पर जुल्म करते थे, आपसे मोहब्बत नहीं करते या दिखावे की मोहब्बत करते हैं, फला चच्ची ताई मुमानी वगैरह अच्छी नहीं, फला के घर गए तो इन्होंने आपको डांटा तो नहीं, या कुरेद कुरेद कर पूछना कि दूसरों ने आपसे कैसा सलूक किया। ये सब बातें बच्चों के लिए ख़तरनाक साबित होती हैं। बच्चे मनफी रवैये सीखते हैं, इनके दिल में बाप से मुतालिक नफ़रत पैदा होती है और बाकी तमाम रिश्तों से मुतालिक कदूरत। कुछ बच्चे इस एहसास कमतरी में मुबतला हो जाते हैं कि इनसे कोई मोहब्बत नहीं करता। कुछ बच्चे ये सोचते हैं कि इनके इर्द गिर्द सिर्फ बुरे लोग हैं, फिर वो इन बुरे लोगों से निमटने के लिए बुरे रवैये ही अपनाते हैं। मुख्तसरन बच्चों को हमेशा मुस्बत बातें, मुस्बत रवैये बताइए और दिखाइए ताकि मुस्तकबिल में कारामा शहरी बने। बच्चों की नज़र में माँ को मजलूम साबित करके और बाप को जालिम बना के ख़वातीन कोई फ़खरिया काम सर अंजाम नहीं देती, बल्कि अपने ही बच्चे को एबनॉर्मल बनाने की कोशिश करती हैं। लिहाजा बच्चों के लिए रोल मॉडल बनिए, इन्हें मुफीद शहरी बनाइए। सदका जारिया के तौर पर वीडियो को शेयर करें। मज़ीद इस्लामी और मालूमाती वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। शुक्रिया।